नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हेल्पफुल नॉलेज 5 में फिर एक नया वीडियो, जिसमें कि आपको मिलेगा 1 GB डेटा। दोस्तों 1 GB डेटा बहुत ही आपका जल्दी ख़त्म हो जाता है मोबाइल में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको 1 GB डेटा जो रहेगा हमारा वो दिन भर तक चलेगा। दोस्तों ऐसे आपको 3 सेटिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए दोस्तों। और दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ जिसमें बैटरी सेवर जो दोस्तों उसमें बैटरी सेवर की 5 सेटिंग्स बताई थी दोस्तों, वो भी उस वीडियो को आप देख लेना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। तो उससे कि आपको काफ़ी हद तक आपका मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होगा, काफ़ी हद तक अच्छा चलेगा। और ये जो 3 सेटिंग है इनसे भी आपका 1 GB डेटा है दोस्तों वह दिन भर तक चलेगा। दोस्तों तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं इस जो दोस्तों इस 3 सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों, इसमें आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करना है, बाकी सब थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं दोस्तों। बाकी मैंने आपके लिए 3 सेटिंग्स, सिर्फ आपको क्या जाना है, सिंपली आपके मोबाइल की जो सेटिंग है दोस्तों उसमें सिंपली आपको जाना है और स्क्रॉल करते हुए दोस्तों नीचे आपको जाना है और सिंपली आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है। दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों ऐप मैनेजमेंट में आपके उसमें भी दोस्तों ऐप के नाम से या ऐप मैनेजमेंट के नाम से ही मिल जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सबके मोबाइल में अलग अलग सेटिंग्स आती है, पर आपको सिंपली यही हो दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ऐप मैनेजमेंट हर मोबाइल में ऐसा ही होता है। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जो हमारा बैकग्राउंड में जो ऐप चलते हैं दोस्तों हम उनको नहीं चलाते, ऑटोमेटिक चलते हैं वो बैकग्राउंड में दोस्तों, रनिंग करते हैं, डाटा लेते हैं हमारा, और दोस्तों सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन लेता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐप में जाना है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो डाटा यूजेज डिटेल्स, तो ये थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है डाटा यूजेज डिटेल। दोस्तों ये बैकग्राउंड डाटा ऑन था, मैंने पहले ऑफ़ कर चुका हूँ, तो ये पहले आपको सिर पे इसको ऑफ़ करके रखना है दोस्तों, इनेबल करके रखना है, इसको ऑफ़ करके रखना है, जिससे कि दोस्तों आपको कौन सा ऐप दोस्तों बैकग्राउंड डाटा में चल रहा है, इनको नेट बहुत ज़्यादा खा रहा है दोस्तों, फ्री फायर, स्नैपचैट, फोन पे, फोटोज़, दोस्तों आपको कोई का भी चल रहा हो दोस्तों, फेसबुक, दैनिक भास्कर, बाकी ये आप ऐप चल रहे हैं बैकग्राउंड में, आपको एक एक करके दोस्तों आपको इनमें से सेटिंग्स को इनेबल करना होगा दोस्तों। दोस्तों अगली सेटिंग्स जो हमारी है, अगली सेटिंग में दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, उसमें भी आपको सेटिंग्स में ही जाना है। उस सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है दोस्तों, आपके उसमें दोस्तों एडिशनल सेटिंग, दोस्तों आप देख सकते हो एडिशनल सेटिंग में आपको जाना है। आपको एडिशनल सेटिंग में दोस्तों, किसी के मोबाइल में एडिशनल सेटिंग नहीं रहती है, पर उसमें दोस्तों डेवलपर ऑप्शन अंदर है मेरे मोबाइल में, पर किसी के उसमें डेवलपर ऑप्शन बाहर ही रहता है, तो सिंपली आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है, और कभी एडिशनल सेटिंग्स है दोस्तों तो एडिशनल सेटिंग में भी चले जाना है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन में जाना है आपको, और दोस्तों इसमें आपको कुछ ऐप्स के जैसा ब्रैकेट दिखेगा, उसमें आपको कुछ दो सेटिंग्स है उनको करना है दोस्तों। तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, कुछ ऐप्स वाला दोस्तों ब्रैकेट दिखेगा आपको, जिसके ड्राइविंग है, इनपुट है, ऐसा कुछ आपको भी दिखेगा उसमें, हार्डवेयर एक्सपेरिमेंट, रिटर्निंग दोस्तों, तो ऐप्स जहाँ भी दिखे दोस्तों आपको वहीं पर जाना है दोस्तों। ये आ गया है सबसे नीचे ऐप्स, तो इसमें आपको मैंने पहले आपके मोबाइल में दोस्तों ऐसा होगा इनेबल होगा, तो आपको सिंपली ऑन कर देना है डोंट कीप एक्टिविटीज़, और इसके बाद दोस्तों सिंपली इसके नीचे वाले में बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड दोस्तों इसमें क्लिक करना है, और इसके में दोस्तों स्टैंडर्ड लिमिट होगा दोस्तों आपके उसमें, तो आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस, मैंने दोस्तों पहले ही सारी दोस्तों हमारी जो प्रोसेसेस थे उनको ऑन करके रखा है दोस्तों, इनेबल करके रखा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, देख सकते हो नो बैकग्राउंड प्रोसेस में जाना है दोस्तों। दोस्तों इन दोनों जो सेटिंग्स का इनका काम यह है दोस्तों कि जो डोंट कीप एक्टिविटीज़ दोस्तों, कोई सी भी आपकी जो एक्टिविटी रहती है मोबाइल में दोस्तों ऑटोमेटिक सेव हो जाती है मेमोरीज में, मोबाइल की रैम भर जाती है, और दोस्तों आपका मोबाइल हैंग मारने लग जाता है, और नेट भी ज़्यादा खर्च होता है दोस्तों। इससे क्या है, कोई भी जो एक्टिविटी रहेगा जो आप डाउनलोड नहीं करोगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी दोस्तों। और जो नीचे वाला है दोस्तों, इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस, नो बैकग्राउंड प्रोसेस है दोस्तों, मतलब कि इसमें जो भी आपकी बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलेगा इसकी कोई दोस्तों ये मतलब लिमिट रहेगी दोस्तों, ज़्यादा हद तक बहुत ही आपका नेट चलेगा दोस्तों।
दोस्तों अगली सेटिंग्स है दोस्तों, उसके लिए भी आपको सेटिंग्स में ही जाना है। तो अगली सेटिंग में नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है और सिंपली आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। दोस्तों अबाउट फ़ोन सारे मोबाइल में यही मिलता है, कोई सा भी मोबाइल को देख लो इसका नेम ही नहीं चेंज होता है। दोस्तों अबाउट फ़ोन में ही जाना है आपको, तो सिंपली आपको अबाउट फ़ोन में जाना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। दोस्तों दोस्तों ये बिल्ड नंबर है किसी में, दोस्तों लीगल इन्फॉर्मेशन है, इस ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों इसमें भी, उसमें नीचे सिंपली इन्फॉर्मेशन लिखा रहा है, उसमें बिल्ड नंबर लिखा रहता है, पर जो हमारा मोबाइल में है बाहर ही है दोस्तों। तो सिंपली मैंने इसको पहले ही कर चुका हूँ दोस्तों। जो रियलमी में दोस्तों उसमें लिखा होता है कि कितनी बार टैप करना है दोस्तों, 7 बार इसको टैप करते रहना है और जिससे कि आपका इनेबल्ड ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा। दोस्तों मैंने पहले ही कर दिया है जिससे कि काफ़ी हद तक आपका मोबाइल चलेगा दोस्तों। इससे बिल्ड नंबर से क्या है दोस्तों, आपका जो डेवलपर है दोस्तों ऑलरेडी ए डेवलपर हो जाएगा दोस्तों, जिससे कि आपका मोबाइल काफ़ी हद तक अच्छा चलेगा और नेट भी अच्छा चलेगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों बैटरी सेवर का है दोस्तों, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसको भी आप देख लीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ।